एजाज खान के साथ जो हुआ इस पर हर कोई हंस रहा है और एजाज खान कह रहे हैं कि ये तो 3400 करोड़ रुपए की वजह से हुआ है जो हुआ है। दरअसल में एजाज खान कहते थे कि उनके फैंस बहुत हैं, वो अपने ट्विटर फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम खास करके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को फ्लैक्स करते थे कि भैया 5 मिलियन फॉलोअर है मेरे, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के तक के इतने नहीं हैं, मेरे फैंस की कमी नहीं है। और अपने फैंस पर यकीन करके उन्होंने लड़ लिया विधानसभा चुनाव आज़ाद समाज पार्टी से। उम्मीद थी कि ये जो 5 मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, इनमें से लगभग 50-60 हज़ार तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वोटर भी होंगे और शायद वो वोट कर दें। लेकिन पता चल गया एजाज खान को कि इंस्टाग्राम में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो वोटिंग होती है उसमें बहुत फ़र्क है भैया, क्योंकि उनको 150 वोट भी नहीं मिले, जमानत जब्त हुई। और सबसे बेइज्जती की बात तो ये हो गई कि उनके मोहल्ले में 500 वोट थे और उन 500 में से भी उनको वोट नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ 112 वोट पर सिमट कर रह गए एजाज खान। और अब लोग उनका मजाक ले रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब बात नहीं बनी हेर फेर से तो कुत्ते लड़ा दिए गए शेर से। ये डायलॉग एजाज खान का ही है, वो लोगों का मजाक बनाने के लिए इस तरह की बातें बोलते थे। कुछ दिन पहले तक वो बहुत बड़े डॉन बन रहे थे, कोई भी उनको ट्रोल करता था तो उसको आकर गालियां देते थे और ऐसा दिखाते थे कि उनसे बड़ा मुंबई में कोई है ही नहीं। खैर एजाज खान का अब हकीकत से सामना हो गया, उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर होते हैं वो इंस्टाग्राम पर ही रहते हैं, वो आपको असल ज़िंदगी में आके वोट नहीं दे सकते। और अब एजाज खान अच्छे इन्फ्लुएंसर बने सोशल मीडिया पर, उनके ये 56 लाख की जगह 1 करोड़ फॉलोअर हो जल्दी, हम तो उनके लिए उनके फ्यूचर के लिए यही दुआ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो उनके साथ हुआ है ये बहुत बुरा गेम हुआ है। विधानसभा के चुनाव में 112 वोट मिलना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। अगर उनकी जगह पर मैं होता तो मैं तो कभी भी ना चुनाव लड़ता और 3-4 महीने तक किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाता, वो अलग, और घर में कैद रहता वो अलग। भला विधानसभा के चुनाव में 112 वोट मिलना, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता जब आप सोशल मीडिया पर खुद को इतना बड़ा आदमी बताएं। तो चलिए दोस्तों, मेरा उल्टा ही फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी इस तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।